खूबसूरत इनकी स्माइल है, उतनी खूबसूरत इनकी वॉइस है। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तो है हमारे साथ शो में। हाँ मैं इनके लिए यही कहना चाहूँ, मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का, मीठे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे दो, मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का। तू मीठे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। लोग बोलते हैं कि आजकल बायोपिक का जमाना है, ऐसे में आपने कॉमेडी फिल्म बना दी, चलेगी क्या? तो मैंने कहा ये कॉमेडी फिल्म है लेकिन ये बायोपिक है, ये बायोपिक है, ये रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, ये हर गंजे की कहानी है, ये हर गंजे का बायोपिक है, ये हर उस विक पहनने वाले की कहानी है जो बाहर से हंसता अंदर से रोता है, ऑफिस में जरूर होता है। गंजा आदमी आज के जमाने में रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा है, ऑफिस में, घर में, दोस्तों में, कोई उसे गंजा कहता है, कोई गंजू कहता है, कोई एयरपोर्ट कहता है, कोई उजड़ चमन कहता है, कोई गॉन केस कहता है, जिसको जो मिला सब कुछ कहता है और वो बेचारा सब कुछ कहता है, किसी से कुछ नहीं कहता है। तुम्हें कितना मजा लूंगा, नहीं आप जो समझी नहीं आंटी, प्रॉब्लम है बेस्ट कॉमेडी करने वालों का कि जो समझ में लोग बहुत कम आते हैं, कॉमेडी चल रहे हैं ऐसे हो सब लोग जी, भूलिए तुम्हारी और गर्लफ्रेंड कहाँ है तुम्हारी, और देख रहे भी नहीं देख रहे हो इंटर पे कितने लोग हैं, इसी टाइप का जो चल रहा है आजकल, बदकिस्मती से अच्छी कॉमेडी कम चल रही है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप सब लोग अच्छे सोसाइटी से ब्लॉग करते हैं, आपके माँ बाप ने बहुत खर्चा किया आपको अच्छा बनाने पर, उस पैसे को देना है, और बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही प्यारे हैं, ऐसा इनका खुद का मानना है पर आप हम भी मानने लगे हैं इनसे मिलने के बाद, आप हमेशा मानेंगे कि अगला आदमी दिल का साफ है और दिमाग का भी, मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं। तो 19 जुलाई को आप सब आएंगे, आप सबको आना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी अपनी फिल्म है और कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म अभी बहुत ऐसे आई भी नहीं है, और बस इतना काफी, ज्यादा पूरा नहीं कॉमेडी फिल्म, बैठे बैठे सब सोच रही अरे गाना भी गाएगा और भी पूरा, अगर गाना ही सुनना है तो हमारे पास बहुत अच्छे सुंदर कलाकार है, ठीक है, और आप सब भी अच्छा गाते हो, धन्यवाद, थैंक यू मच, ठीक है, मुझसे बाइक छीनो छोड़ बनी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी सुनील भाई ने एक चीज बोलना, जगह केसलेस लोग जो है वो फिल्म देखने जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी वाइफ को लेके जाए, क्योंकि यकीन मानो बिग बॉस देखने के बाद वो उनसे 100 गुना ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे, मेरा दावा है आपसे। ये बात तो बिल्कुल सही बोला है, वाइफ को लेके जाए ताकि वाइफ को पता चले कि पति का कैसे ध्यान रखना चाहिए, अगर नहीं रखेंगे तो वो भी बिग बॉस हो जाएगा। अंकल और आंटी चेक करो, बहुत चालू लग रही है, वो ये नहीं देखते कि मैं भी वो फील्ड से हूँ, लेकिन हर किसी को हेल्प करते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी बात है जो कोई नहीं करता है। सभी लोगों को अरे अच्छे से मानवा लोग आए हुए यहाँ पर, मेरे सभी साथी लोग भी यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह का माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि जहाँ पर कि पर्सनलिटी डेवलपमेंट और ऑडिशन के बारे में या एक्टिंग के बारे में इस तरह से बताया जाता हो विद पिक्चर्स, यहाँ पर जो है स्लाइड दिखाई जा रही थी, बहुत अच्छा लगा। और चूंकि हमारे ज़माने में इस तरह कोई सिस्टम नहीं था और हम इस तरह से ही छोटे मोटे होल्ड कर करके यहाँ तक आए हैं, तो नेचुरली ये पॉलिसी और ये जिस तरह का भी माहौल यहाँ बना है, मुझे भी काफ़ी होते हैं जो बादलों में छुप के भी रोशनी तमाम देते हैं, कर जाते हैं नाम अपना कुछ इस तरह, कर जाते हैं अपना नाम कुछ इस तरह कि हर महफिल में उनके नाम होते हैं। ये ऐसे सितारे हमारे हैं जो किसी भी महफिल में जाएंगे तो महफिल में चार चांद लगा देंगे, जोरदार तालियां। एक शेर आपके लिए है जो आप साहिल एक दूसरे फ्लर्ट करते हैं दर्शन जी, तो
एक शेर इनके लिए इरशाद है कि वो चांदनी सा बदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी सा बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज है हमें मगर पराया है। पोस्टर निकला हीरो, और भी बहुत सारी अनगिनत फिल्में हैं, और अभी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं, लखनऊ जंक्शन, सुपर जासूस, इंग्लिश की टाई टाइपिस, दिल्ली बस, बहुत सारी फिल्में इंशाल्लाह आएंगी, आप सबको देखने को मिलेगी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, जैसे शेर व शायरी का माहौल चल रहा है तो सोचा मैं भी थोड़ा बाबा के दो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी का हाथ रहा और ना किसी का, बाबा तो कह दो यार। ये अलामा इकबाल का शेर है, इसमें बाबा नहीं कहना होगा, आप लोग तालियां बजा सकते हैं। बाबा तो कह दो कुछ नहीं पूरे आदर्श नगर में उधारी है, जोरदार तालियां बजा। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, चाय की दुकान पे जा रही है। अब मैं क्या कहना चाहेंगे आज जो ये कुछ ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, रितु जी और ओवेस जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने जो ये आज इतना प्यारा कार्यक्रम किया, बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड शेक और अपना फेस रेटिंग जो इन्होंने एक्टिंग के माध्यम से बहुत सारा जो बहुत खूबसूरत कार्यक्रम किया, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं इस कार्यक्रम में आके मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ द पीपल जो पर्सन होते हैं उनको हाथ कैसे मिलाया जाए, एंड एक्टिंग के बहुत सारे गुण यहाँ पर बहुत सारे एक से एक उम्दा कलाकार और डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैंने भी कुछ अपने थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर किए, जैसे कि एक्टिंग की दुनिया में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी, अगर आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करते जा रहे हो तो एक ना एक दिन सफलता आपके कदम ज़रूर चूमती है, तो आपको मेहनत करते रहने चाहिए ज़िंदगी में सफल होने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप सबको मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है और सबको प्यार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सिनेमा के क्षेत्र में काम करना, सारे एक्टिंग करते रहना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। दूसरी बात ये है कि अभी जो मेरे आने वाला, सब मैं आपको बता दूँ कि 16 तारीख को मेरा एक पंजाबी गाना एक बनाया है एज ए प्रोड्यूसर, तो वो 16 तारीख को इंशाल्लाह आप सबके सामने रिलीज़ होगा, तो आप सब उसको ज़रूर देखिएगा और खूब प्यार और सम्मान दीजिएगा। आप सब इनवाइट है मेरी तरफ से 16 तारीख को, और भी बहुत सारी फिल्में आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगी, जैसे कि सुपर जासूस, इंग्लिश की टाटा फिस, लखनऊ जंक्शन, ये सब ऐसे फिल्में आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी मेरी, और आप बस आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए। और उवैस भाई जो हमारे इस कार्यक्रम के शो के मैन ऑनर हैं, इन्होंने बड़ा प्यारा और बड़ा ही खूबसूरत शो ऑर्गेनाइज किया, बड़ा मज़ा आया शो को करके। उवैस भाई इस तरह के शो में आप हमेशा इन्वाइट करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हो सर? आप बताइए आपने मास्टर क्लास का बेसिकली हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस में स्टूडेंट्स को एक्टिंग वगैरह सिखाई जाती है, लेकिन आजकल के दौर में जो एक कॉम्पिटिटिव दौर है, तो एक्टिंग के साथ साथ बाकी स्किल्स का बहुत जगहों पे देखा गया है कि एक अच्छा एक्टर होने के बावजूद वो अपना पोटेंशियल जो है उनके अंदर वो अपना प्रो नहीं कर पा रहे, जो उनका गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्निकल सेशंस कराए, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को बुलाए, जैसे ताहिर कमाल जी है मेरे दोस्त है, या बाकी सारे जो इतनी इंडस्ट्री से या दूसरे मतलब जो रिलेटेड, जैसे अपना आपका जो है ये वॉइस मॉड्यूलेशन है, या आपका फेस का कैसे आप अपना वो वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, या बाकी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको एनहांस हो, उनके अंदर जो स्किल्स जो और एक्स्ट्रा डेवलप हो, अच्छा ऑडिशन टेक्निक्स है, तो इस तरह से उनमें थोड़ा सा जो उनमें एक्टिंग ऑलरेडी है, वो एक्टर्स हैं, लेकिन और थोड़ा ऊपर के आए और वो अपने जो फ्यूचर है उसको अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते। तो
हाँ, इसका अभी हम आगे ये एक इनिशिएटिव था, पहले स्टार्ट हमने किया था, इनिशियल स्टेज पे था, अभी आगे जाके हम इसको और थोड़ा सा एनहांस करेंगे और ज़्यादा बड़े लेवल पे इसको और प्रमोट करेंगे। क्लासेस नहीं होंगी इस तरह के, हम इवेंट्स और जगह पे और भी क्रिएट करेंगे जहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुला के, ताकि वो उनको फ्री में, जो कोई मतलब ऐसा है कि जो पीआर अपना मतलब नहीं बेचारा अफोर्ड कर पा रहा है, लाखों रुपये दे के पीआर एजेंसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए यहाँ पे जैसे पीआर ट्रिप्स, वो जो एक लेडी हमारी आई थी मिस पायल, तो उन्होंने, वो इसकी माहिर है, तो उन्होंने अपने कुछ आइडियाज़ उनके साथ शेयर किए ताकि इनको इस चीज़ से बेनिफिट मिल सके। तो इसकी बात करें कि इतने सारे तो आ नहीं पाएंगे, मतलब एक प्रोग्राम हो तो सबको ये ज़रूरत की है, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब टेक्निक या हर मतलब प्रोग्राम से काफ़ी बड़े डायरेक्शन मतलब हर टीम्स रहेंगे, तो ऑनलाइन का कोई ऐसा रहेगा प्लेटफॉर्म? बिल्कुल बिल्कुल, जो जो हम यहाँ पे सेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं पूरा रिकॉर्ड होके ऑनलाइन भी हम इसको डाल रहे हैं धीरे धीरे, और इसके साथ साथ हम इसका मतलब अभी इसको और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करेंगे। फर्स्ट डे है ना ये? पहला फर्स्ट डे और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर नहीं है। और ये ऐसे इधर साबन अभी नेक्स्ट सेशन में आपका वो भी आएंगे, तो उसमें और भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स और ज़्यादा मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो भी इसमें अभी जुड़ रहे हैं। इससे बेटर प्रोग्राम होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है जिस किसी साथ भी हमने अभी तक शेयर किया है, तो हर किसी को ये बहुत अच्छा लगा है, एवरीबॉडी वेरी मच इंटरेस्ट अबाउट इट, और उन्होंने इसके लिए हमें हर किसी ने सपोर्ट किया। यस सर, वेरी मच थैंक यू। भाई मुझे तो ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया, और चूंकि हम तो बहुत समय से ये काम कर रहे हैं एक्टिंग का, तो ऐसा इस तरह का माहौल जो है मैंने कभी देखा नहीं, कि जहाँ पर सब चीज़ बताई जा रही हो कि किस तरह से क्या डिफरेंस है, में कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टैलेंट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से बात को आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे ऑडिशन देनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे टाइम में नहीं थी। इसलिए ये विदाउट मनी यानी फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह से जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम, मुझे बहुत पसंद आया, और निश्चित रूप से आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और न्यू जनरेशन को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह से ऑडिशन देना है, किस तरह से मिलना है, क्या बात करनी है डायरेक्टर से या कास्टिंग डायरेक्टर से या मॉडल कोऑर्डिनेटर से, कुछ जानते नहीं है, एक्टर बनने आते हैं, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा साबित होगा और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि ऑर्गेनाइज़र जो भी हैं इनके, जैसे कि मैं आप देख रहे हैं सामने ओवेस भाई हैं और भी साथ में लोग हैं इनके, तो ये इस तरह प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो नई नई बातें निकलेंगी, नए नए लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छी बात बनेगी इंडस्ट्री के लिए। ऑल द बेस्ट। अरे पहले तो बहुत डिफिकल्ट था भाई, पहले के सिस्टम जो है काम पाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, एक्टिंग सीखने के लिए कोई तरीका ही नहीं था। हम चमचागिरी वगैरह थोड़ा बहुत करते थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की काम वाम मिल जाता था तो एक्टर वैक्टर बन जाते थे। अभी तो बहुत ही, जो इसमें टैलेंट होगा, जो आदमी परफॉर्म करेगा, जो आदमी इंटरेस्टेड होगा, वही आदमी एक्टर बनेगा। बाकी आजकल जो है लापरवाह और ढीले मिले आदमी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत स्मार्ट आदमी चाहिए। कंपटीशन है ज़बरदस्त, वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन है, आप एक मिनट में वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ये फैसिलिटी है जो व्हाट्सएप की और फेसबुक की, ये पहले कहाँ थी? ये अभी हम फोटो ड्रॉप करते हैं, उसमें मालूम पड़ा कि पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ गया भाई यहाँ ये आदमी एक्टिंग कर रहा है, फलानी सीरियल कर रहा है, फलानी फिल्म कर रहा है। तो ये जो फैसिलिटी मिल रही है नए लोगों के लिए, उनका सौभाग्य है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है उनके लिए, इसलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और ऐसे हमारा जो ओवेस भाई ने जो किस तरह से किया है, तो ऐसे सब लोगों को धन्यवाद देना चाहिए इनको, कि इन्होंने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे हमारी नॉलेज बढ़े, जिससे हमारा करियर बढ़े और आगे चले हम लोग। नए लोगों के लिए एक टिप्स है, बस ईमानदारी से काम करते रहे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ईमानदारी से काम करते हुए कभी भी हिम्मत ना हारे, और गलत काम को, कई बार गलत काम करने के मौके मिलते हैं लोगों को सिनेमा के क्षेत्र में, कि यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, तो वो जैसे लाइन भटकने वाली जैसी बात हो गई, कि अगर कहते ना सुबह का भटका अगर शाम को घर आ गया तो बहुत अच्छी बात होती है। सिनेमा के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से काम कर किया जाए और मेहनत करते रहना चाहिए। मैंने थोड़े दो चार कॉमेडी के थोड़ा दो चार गुर सिखाए लोगों को, कॉमेडी किया और बड़ा मज़ा आया। सबसे बड़ी अच्छी ऑडियंस थी, ऑर्गेनाइज़र बड़े अच्छे थे, ऑलमोस्ट सभी कुछ बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आ गया। 16 तारीख को आप सब मेरी पंजाबी वीडियो
16 तारीख को 6 बजे रिलीज हो रही है, एक बार हाँ कर दे, इसको मैंने प्रोड्यूस किया है और एज एन एक्टर भी मैं ही हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो फिल्म 16 तारीख वीडियो एल्बम 16 तारीख को 6 बजे आप सबको इंटरनेट पे एसआरके म्यूजिक द्वारा देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड लाइक दिवाली तक उसका पोस्ट प्रोडक्शन डन हो जाएगा, दिवाली पे फिल्म रिलीज होने वाली है। एंड अभी खाली उसका डी आई कलर कलेक्शन बाकी है, बाकी वो फिल्म हो जाएगा। आज तो सेमिनार देखा, देन मुझे लग रहा है कि अगला फिल्म हम लोग जैन तक हम मूड करने वाले अगले फिल्म का, बट ये फिल्म पूरा डन है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मीन्स लाइक जितने भी लोग रहे, जितने भी ऑडियंस है अपना मुंबई में या वॉट एवर यहाँ पे, जाके फिल्म दिसंबर में रिलीज होने के बाद आप देखिए। बाकी आज ओएस भाई ने जो दिया है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आगे जाके हम लोगों का भी अगला प्लान नहीं अच्छा होगा, अभी बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ें नई चीज़ है, नई बात है, तो बस में तरक्की भी होगी, लोगों को अनुभव होगा, आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। इवन ओएस भाई भी हमारा टीम के मेंबर ही है, हमारा मूवी का भी मेंबर है। हाँ, उन्होंने जरा डीओपी पूरा वही है मूवी के, अगला फिल्म के लिए वो वही रहने वाले हमारा जैसे बात होगी। मौका दिया कि लोगों को यानी कि अवेयरनेस लानी है, जिस तरह से लोगों को पहचान बनानी है अपनी इस इंडस्ट्री में, तो एक प्लेटफॉर्म में काफ़ी भी आए और उन्होंने काफ़ी सब है और हमको ये मौका दिया, उसी का थैंक यू सो मच। मैं इसके ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, कौशिक मारू डिस्पाइट बीइंग अ नॉन प्लेयर ऑफ दिस फील्ड, तब भी इन्होंने हिम्मत करके यहाँ पे आए, आगे आए और सपोर्ट किया। ऐसे लोगों की जरूरत है, बहुत जरूरत है, जबकि ये इस फील्ड से नहीं थे फिर भी ये आए और इस फील्ड के लिए अपना इतना कुछ करके दिया। कौशिक भाई जैसे काफ़ी लोग चाहिए इंडस्ट्री को, काफ़ी लोग चाहिए ओवैसी साहब, ओवैस जैसे एक कौशिक भाई जैसे, क्योंकि यहाँ पर अच्छे लोगों की ज़रूरत है। काफ़ी लोग गलत आए हुए हैं, उनको आउट करके जो है अच्छे लोग इन्होंने चाहिए, तो इस इंडस्ट्री का भला होगा। थैंक यू। फिल्म फेडरेशन फिक्की के साथ लोगों की निपुणता बढ़ाना, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ाना, and what Jitu has done together with OS, everybody together, is the first step towards giving people all forms for all sectors of filmmaking, so that they can all, you know, shine and make a decent living. But at the end of the day, put the glamour aside, this is a way to fill your stomach and your family's stomach. That is one thing that we should not, you know, forget. मैंने इस प्रोग्राम में दिए और प्रोग्राम बहुत अच्छा था, काफ़ी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओवेस भाई को, रितु जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुला के मेरी हौसला अफजाई करी। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम एंड आई रियली लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, एंड मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम आगे भी होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम नए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये सीढ़ी का काम करते हैं और चाहूँगा कि ये प्रोग्राम आगे भी होते रहें। इसी तरह बधाई दूंगा कि बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और इन लोगों को, इससे जितने भी न्यू कमर्स आ रहे हैं उन्हें बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री के लोगों को बेनिफिट होगा और सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ और बहुत अच्छा इन्होंने शुरू किया। थैंक यू।